सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे दो अलग अलग नाम से वाईफाई है जो कि एक ही राउटर में शो होते हैं। ये दुमसी 5G के नाम से और गुरदीप सिरन वाईफाई के नाम से। मैं अपने BSNL के राउटर के BSNL के राउटर में लॉगिन कर रहा हूँ। 192.161.1.1 ये सभी राउटर के बैक साइड में लिखा होता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं अपने 5.0 और 2.4 GHz दोनों का वाईफाई के राउटर का नाम सेम कर दूँगा। जैसे कि मैंने ये नीचे 2.5 GHz की, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। रुको, मैंने इसमें ओपन कर ली। ये मैंने इसका SSID नाम चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं अप्लाई चेंजेस कर दूँगा। एक सेकंड के लिए राउटर बंद होके चलेगा। दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट नहीं हुआ था। अप्लाई चेंजेस, ये एक बार राउटर रिस्टार्ट होएगा। रिस्टार्ट होने के बाद मैं दोबारा लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। अभी मैं वाईफाई सेटिंग ओपन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो वाईफाई आएगा उसमें आपके राइट साइड में लिखा हुआ मिलेगा 2.4 और 5 GHz। ये देखिए, अब इन दोनों में से आप जिस जिसका दोनों का अलग अलग पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं दोनों का। और ऐसे ही आप अलग अलग नाम यूज़ करके दो इसको इनको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।